आपको नोट्स में दिक्कत होती है या बुक्स आप नहीं समझ सेलेक्ट कर पा रहे कि कौन सी बुक बेस्ट रहने वाली है या आप क्या क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। देखिए किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले आपको 10 साल का प्रीवियस पेपर उसका जरूर सॉल्व करना चाहिए। उससे आपको पैटर्न पता चलता है कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए हमारे द्वारा एक बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स तैयार किया गया है। इस कोर्स को परचेस करने के बाद में आपको नोट्स बनाने की कोई झंझट नहीं रहेगी। इसमें केवल और केवल निचोड़ चीजें दी गई है दोस्तों। पिछले वर्ष भी इसी तरीके से कोर्स तैयार किया था और बहुत सारे छात्रों को सरकारी सीडी कोर्स के माध्यम से मिली थी। इसकी कीमत नाम मात्र दोस्तों 149 रुपए, सिर्फ लागत कीमत ले रहा हूं दोस्तों 149 रुपए, कुछ भी नहीं। अगर आप बीएड की तैयारी करना चाहते हो, आप मार्केट से जाकर 400-500 रुपए की बुक बहुत सारे छात्र ले भी आए हैं, उसमें अननेसेसरी चीजें भी दी रहती है। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, एक छोटी सी रिव्यू में देना चाहूंगा। इसमें 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल रहा है विद एक्सप्लेनेशन। जी हाँ दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया, हल किया गया ताकि आपको समझ में आए बाकायदा। उसके बाद में यहां पर पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको दिया जा रहा है। जैसे हिंदी के जितने भी टॉपिक है, टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई वन लाइनर का नोट्स नहीं दिया जा रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में। रीजनिंग हो गया, जीके के जितने भी टॉपिक हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, सब कुछ दिया जा रहा है, करंट अफेयर दिया रहा है, प्रैक्टिस सेट दिया रहा है। टोटल 490 पेज में पूरा कोर्स कवर किया गया है, सभी वर्गों के लिए, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से, चाहे आर्ट स्ट्रीम से, चाहे कॉमर्स से, सभी वर्ग वालों के लिए। तो 149 रुपए आप पे करके इस कोर्स को जरूर परचेज करिए दोस्तों। सिर्फ 500 छात्रों के लिए 149 रुपए रखा है। जैसे इसके लिए फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, इसकी कीमत 249 रुपीज कर दूंगा। तो अभी मात्र 149 रुपए में खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस लिंक पर जाकर इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, पेमेंट फेल बता रहा है, तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पूरी सहायता की जाएगी कोर्स को बाय करने में, परचेज करने में। जैसा कि आप सभी को बताया, डेली सुबह 8 बजे हमारे चैनल पर करंट अफेयर की एक वीडियो आती है, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यह क्लास मात्र 8 से 9 मिनट की होती है, तो मैं आप सभी को यही कहूंगा कि आप लोग क्लास को मिस मत किया करिए। दिन में जब भी टाइम पाया करिए, कोई जरूरी नहीं कि 8 बजे सुबह की सुबह ही देखिए, आप जब भी दिन में टाइम पाए इस क्लास को जरूर देख लिया करिए, मिस मत जाने दिया करिए। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ, आप रिवीजन कर सकते हैं करंट अफेयर की जितनी भी क्लासेस अब तक हुए हैं। और इसके बाद में अगली क्लास हमारी सामान्य ज्ञान की लाइव होगी 11 बजे और अगली क्लास होगी 7 बजे हिंदी की दोस्तों। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ले। क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारे पीडीएफ मिल जाएंगे रिवीजन करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो तो मैं 5 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद में टाइम दूंगा, आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कमेंट करते जाइएगा और वीडियो के एंड में बताना कि 25 में कितने सही किए। तो पहला प्रश्न करंट अफेयर का, रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 1 डाल के, ए बी सी डी जो आपको सही लगे। 1 का बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वाराणसी। अगला प्रश्न है 2 नंबर, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 का डी उत्तर करेक्ट है, हिमाचल प्रदेश को। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, आई होप आप लोग आंसर करते रहे होंगे, कर रहे होंगे और सब लोग क्लास को लाइक भी करना, बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते चले जाते हैं भाई लाइक किए बिना, तो 100 लाइक का मैं टारगेट रखता हूं भाई, क्लास को जल्दी से लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित में किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट क्वेश्चन एकदम से, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का राइट आंसर बताओ, सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, माउंट हैरियट। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने? 4 नंबर का उत्तर कमेंट करें, ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, साकिबुल हसन। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 30-31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? 5 नंबर का जवाब दीजिए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इटली। अगला प्रश्न है 6 नंबर, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? 6 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वैक्स को। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 है, किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया है या किया जाएगा? 7 नंबर का उत्तर दीजिए, 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ई कुशल प्लेटफॉर्म से। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य में
डुगोंग यानी सिया सीकाऊ के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। 8 नंबर का उत्तर अगर पता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर डी का उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण थर्ड का आयोजन किया गया जाएगा। 9 नंबर का उत्तर दीजिए भाई आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दीजिए। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी का राइट उत्तर हो जाएगा भारत नेपाल। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताइए। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा है। दूसरा कथन है पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो 10 नंबर का भाई बी यानी केवल कथन दूसरा सही है, यानी कि कथन पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है, बाकी पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा, यह गलत कथन है। अगला देखो भाई 11 नंबर है, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। 11 नंबर का जवाब दें आप सब लोग। जिसने भी लाइक नहीं किया भाई क्लास को अभी कभी लाइक कर दो, वरना आप लोग भूल जाते हो, क्लास को प्लीज लाइक करें। 11 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारत। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 है, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन नियोबोल्ट विकसित किया गया है। 12 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी का उत्तर हो जाएगा, आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता है। 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, एसपी सेथुरमन। अगला देखो भाई 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दें आप लोग। 14 का एक उत्तर हो जाएगा, आशिता वी ओलटी। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 है, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी का उत्तर हो जाएगा, बोरिस जॉनसन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। 16 का उत्तर क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, गूगल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए 2 फरवरी 2021 को विश्व अर्धभूमि दिवस मनाया गया जिसका थीम था। 17 नंबर का जवाब देंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का सी का राइट उत्तर हो जाएगा यहां पर, वेटलैंड एंड वाटर। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसने किसके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए का उत्तर हो जाएगा, अंधा दत्ता। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 19 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए का उत्तर हो जाएगा, दूसरा स्थान। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है। 20 नंबर का उत्तर ए का उत्तर हो जाएगा, फिलीपींस। अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रेस निक्रोकोलिस को रक्षा पक्षी घोषित किया है, राज्य पक्षी घोषित किया सॉरी। 21 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, 21 का उत्तर बी का उत्तर हो जाएगा, लद्दाख। अगला है 22 नंबर, देखिए केंद्र सरकार द्वारा जारी इज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 22 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, बेंगलुरु को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए स्पायरी द्वारा SIPRI जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा। 23 नंबर का उत्तर,
23 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, डी का उत्तर हो जाएगा यूएसए। अगला है 24 नंबर, मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए का उत्तर हो जाएगा, नीदरलैंड के। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास डिजर्ट फ्लैग फोर्थ का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दें आप सब लोग, तो 25 का सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यूएई यानी कि सऊदी अरब। अगला देखो 26 नंबर है, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। 26 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर क्या सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया भाई, देखिए एक का उत्तर हो जाएगा असम। तो ये रहे आज के हमारे 26 महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के, आपने कितने प्रश्न सही किए जरूर कमेंट में बताना। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को अंत तक देखने के लिए।